जा रहे बनाने पास्ता। मैंने पास्ता को देखिए बॉयल कर लिया है, अच्छे से पास्ता बॉयल हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। देखिए टमाटर, दो टमाटर ली हूँ, एक्स्ट्रा टमाटर को मैं पेस्ट बना लूँगी ब्लेंडर से। और ये मैंने प्याज काटा है, चलिए बनाते हैं। पहले टमाटर को मैं ब्लेंडर में, ये देखिए चिपका नहीं है एक दूसरे में, इसलिए थोड़ा सा बॉयल करते टाइम इसमें सरसों बॉयल जरूर रखते हैं। फ्रेंड्स अब इसमें मैं डालूंगी पचफोड़ना, इसके हम पचफोड़ना बोलते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी से मैं प्याज ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें डाल दी प्याज। तो प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड प्याज हो गया है ब्राउन डालने लायक। अब इसमें मैं मसाला ऐड करती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, हल्का सा धनिया जीरा पाउडर, काली मिर्च थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि बच्चे को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें थोड़े थोड़े बस फ्लेवर के लिए ऐड करूंगी। और थोड़ा सा नमक कम डालूंगी क्योंकि पहले से पास्ता में नमक का डाल के बॉयल किया था, इसलिए नमक कम डालना है। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट बना ली थी, अब मैं टमाटर का पेस्ट डालूँगी। टमाटर का पेस्ट डाल कर मैं छान लेती हूँ। डालने के बाद ताकि टमाटर का कच्चा फ्लेवर ना आए, ये देखिए मसाला पक चुका है। डालूंगी पास्ता, डाल दिया मैंने पास्ता। यम्मी यम्मी पास्ता, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बिना चिपके हुए इतना अच्छा पास्ता हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं पास्ता मसाला। इससे और अच्छी फ्लेवर आ जाएगी। डाल दिया मैंने, अच्छे से आप मिक्स कर देंगे। पास्ता हमारा बनके रेडी है और इसको यम्मी 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 बच्चों को सर्व कर देंगे। ये फ्रेंड्स मैंने बना लिया है बच्चों के लिए यम्मी यम्मी पास्ता। अब लेके चलती हूँ, बच्चे खा के बताएंगे आपको, आरव खा के बताएगा कैसा लगा।
चलिए चलते हैं बच्चों के पास। आ जाओ, ये लो खा के बताओ मम्मा ने कैसा बनाया तुम्हारे लिए पास्ता। पहले खा तो लो फिर बताना, देखना भी गर्म होगा। खाओ और बताओ मम्मा ने कैसा पास्ता बनाया, यम्मी है।